ये आदेश दिया है। बड़ा फैसला, बड़ा झटका, ये दिल्ली में हिमाचल भवन को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आदेश दे दिया गया है। बिजली कंपनी की रकम ना लौटाने पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की मंडी भवन स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के ये आदेश बिजली कंपनी की रकम ना लौटाने से जुड़े केस में दिए गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सैली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना था। इस प्रोजेक्ट में पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन सरकार ने आदेश की अवहेलना की और अब ये राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि रकम जमा ना करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि राशि राज्य के खजाने से जा रही है, जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा। इसीलिए कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है। देखिए, हिमाचल की सरकार दिवालिया होने के कगार पे है। हिमाचल में सुक्खू जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में इन लोगों ने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए कि हर महिला को 1500 रुपया देंगे। आज हर महिला इनको पकड़ पकड़ के इनके कॉलर पकड़ती हैं, ये देने से साफ साफ भाग चुके, इनकार कर चुके हैं। हिमाचल में आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहाँ के मिनिस्टर को और विधायकों को इन लोगों को अपना वेतन डोनेट करने को कहा जा रहा है। आज समाचार मिल रहा है कि हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं देने से कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं। आप इसको एक दूसरी नज़र से देखें तो जहाँ जहाँ कांग्रेस जाए बैठ जाएगी, या तो वो दिवालिया हो जाएगी या उसका कुर्की करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा समाचार है कि दिल्ली का हिमाचल भवन का कुर्की होने जा रहा है। बिजली कंपनियों का बकाया नहीं दे पाए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की नीति और नियत क्या है, ये पूरे देश के लोगों को दिख रहा है। राहुल गांधी जी जवाब दें कि क्या वो सरकारें सरकारी संपत्तियों को कुर्की में ले जाने के लिए बनवाते हैं? ये जनता की प्रॉपर्टी होती है, और जनता की प्रॉपर्टी अगर कुर्क होने लगे तो ऐसी कांग्रेस को धिक्कार है। उनको देश से और हिमाचल प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। और एक और प्रमाण देखिए, अब हिमाचल सरकार के पास 150 करोड़ रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज के चुकाने के नहीं है, इसलिए बकायदा हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन जो दिल्ली में स्थित है मंडी हाउस पर, उसे अटैच करके बेच देने के लिए हिमाचल सरकार को कहा है और गो अहेड दिया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पैसे उसे लौटाने हैं, देने हैं 150 करोड़ रुपए, वो देने के लिए पैसे नहीं है। सोचिए, हिमाचल की कांग्रेस सरकार के चलते अब हिमाचल भवन को बेचा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने हिमाचल की तिजोरियां खाली कर दी है। ये है स्थिति कि टॉयलेट पर टैक्स और कर, समोसे की जांच कर, बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स, डीजल पर बढ़ गया टैक्स, सारी चीजों पर टैक्स लगा दिया। कहां तो इन्होंने वादा किया था कि ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। मुफ्त देने की बात तो दूर की रही, हिमाचल भवन बिकवा रहे हैं, टैक्स टॉयलेट पर लगवा रहे हैं। और ये हर जगह जहां जहां कांग्रेस आई वहां लूट, बर्बादी और महंगाई लाई, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो। कर्नाटका में भी देखिए, वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तिजोरी खाली, लूट और झूठ केवल परोसा जा रहा है। ये लूट और झूठ का मॉडल है। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी कर्क हमारे साथ जुड़ गए हिमाचल भवन से सीधा। मेहंदी, देखिए, हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया गया और इसी के साथ साथ बीजेपी जो है हिमाचल सरकार यानी कि कांग्रेस पर काफी मुखर होकर अब पलटवार कर रही है और एक के बाद एक कई आरोप जो है लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल पिंकी, देखिए इस पूरी जानकारी में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस सुक्खू सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया और हिमाचल भवन मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, जो मंडी हाउस पर स्थित है, इसे कुर्क यानी कि नीलाम करने के लिए कह दिया गया है। अब अगर इसके तह तक जाए कि पूरा मामला क्या है, तो मामला ये शुरू हुआ था जब लाहौल स्पीति के चिनाब नदी पर एक 400 मेगावाट का एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुक्खू सरकार जो है वो लगाने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो ये प्रोजेक्ट है वो धरातल पर नहीं उतरा, वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगाया गया। तो ऐसे में जो पेरेंट कंपनी है सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने पूरा बकाया वापस लेने के लिए और हासिल करने के लिए हिमाचल के सुक्खू सरकार से कहा कि जो 64 करोड़ रुपए उन्होंने पहले पैसे दिए हैं, जो आवंटित मनी है यानी कि अपफ्रंट मनी है, उसको वापस दे दिया जाए। लेकिन उस समय पर वो जो पैसा है वो सुक्खू सरकार के द्वारा वापस नहीं दिया गया। अब जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सामने आया है, उस पर ये बोला जा रहा है कि 7% ब्याज लगा के ये पूरी जो रकम है वो 150 करोड़ 150 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसको वसूलने के लिए अब ये जो दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन है जो हिमाचल सरकार के अंतर्गत आता है, उसकी नीलामी करके ये जो पूरा पैसा है वो वसूला जाएगा। इसमें साथ ही साथ हाईकोर्ट की तरफ से कुछ जानकारियाँ और दी गई है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाने के जो आदेश है वो भी बिजली विभाग को और कंपनी को दे दिए गए हैं, कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में सम्मिलित होंगे, जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उन सब पर जानकारी, उन सब पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उन सब की जानकारियां लेने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी को गठन करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी का नाम सामने आएगा उनसे भी ये पूरा पैसा, ये ब्याज जो है वो वसूलने की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इसे कहा जा सकता है कि सुक्खू सरकार पर एक ये बड़ा झटका जो है वो माना जा सकता है। अब इस पर देखिए राजनीति तो लाजमी सी बात है होनी ही थी, जो ये फैसला आते ही शुरू भी हो गई, क्योंकि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमने बयान भी सुने, सांसद मनोज तिवारी ने बयान दिया, साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनका भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने तो बड़े आरोप सुक्खू सरकार पर ये लगा दिए हैं कि जब से सुक्खू सरकार हिमाचल में आई है तब से उन्होंने हिमाचल का कोई भी प्रगति नहीं की है, और ऐसे में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनसे बहुत अच्छा निवेश राज्य में आ सकता था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए, और साथ ही साथ इस तरीके का 150 करोड़ रुपए ना चुका पाना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जो है फेलियर उसका माना जा सकता है। ये सभी जो आरोप है वो सुक्खू सरकार पर लग रहे हैं, साथ ही साथ चाहे वो बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हो चाहे सांसद हो, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही है और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार चाहे वो इलेक्शन कैंपेनिंग हो या समय समय पर राहुल गांधी को भी हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है, तो ऐसे में उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं तो उन पर सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के कमेंट की बात की जाए तो उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से राहुल गांधी खटाखट राजनीति कर रहे हैं, उनका ये जो शब्द है खटाखट वो उन्होंने अपने बयान में यूज़ किया और अपने बयान में बोला कि उन्होंने राजनीति खटाखट नहीं की है लेकिन हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है उसको खटाखट बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे जो राजनीति है लगातार आरोप प्रत्यारोप अब इस पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि सुक्खू सरकार ने जो पैसे उस बिजली कंपनी को यानी कि 64 करोड़ रुपए देने थे वो उस समय पर क्यों नहीं दिए, क्या सुक्खू सरकार के पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है, और क्योंकि अब ये जो आंकड़ा है वो 7% ब्याज लगने के बाद 150 करोड़ बढ़ चुका है, जिसकी अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक आदेश जारी कर दिया है कि ये जो हिमाचल भवन है अब इसकी नीलामी की जाएगी। जी ठीक है बयान दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ऐसे में जब चुनाव है तो एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर हमलावर होने का बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है और सुक्खू सरकार की तो इस वक्त मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही नजर आ रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।